दोस्तों क्या आप जानते हैं कि MRI क्या होता है? शायद आज से पहले आपने कभी MRI का यूज भी किया होगा या फिर किसी न किसी के थ्रू ये जरूर सुना होगा कि MRI क्या होता है। शायद आप ये भी जानते होंगे कि MRI क्या होता है और ये क्या चीज करता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि MRI क्या होता है और ये कैसे काम करता है और हम इसको किस काम के लिए यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वाईके टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाईके टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो MRI का पूरा नाम है वो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये टेक्नोलॉजी काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं हायर मैग्नेटिक फील्ड का। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज करते हैं रेडियो वेव का। इन रेडियो वेव की मदद से हम बॉडी के विभिन्न एंगल से इमेजिंग शुरू करते हैं, साथ ही इन इमेजों को एक कंप्यूटर की मदद से कंबाइन करके एक इमेज बनाते हैं, जिससे हमें उस बॉडी पार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। दोस्तों जब भी हम एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बॉडी को स्कैन करने के लिए हम जो रेज यूज करते हैं उनका नाम होता है एक्सरेज, लेकिन जब भी आप MRI यूज करते हैं तो उसमें हम जो रेज यूज करते हैं उनका नाम है रेडियो वेव्स। इन वेब्स की मदद से जो भी हम इमेजिंग करते हैं तो उससे बॉडी के सारी पार्टों की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। साथ ही MRI से ली गई तस्वीरों में हम हड्डियों को और बॉडी टिश्यू को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे में हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक्सरे काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है, लेकिन MRI थोड़ा महंगी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों जब भी कोई MRI का यूज करता है तो होने के लिए उसको कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन जब भी वो स्कैनर के अंदर जाता है और रेडियो वेव्स स्कैनर से निकलती हैं तो रेडियो वेव्स काफ़ी शोर वाली होती हैं। इस शोर से बचने के लिए आपको एयर ब्रश दिए जाते हैं। पूरी मशीन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर एक अलग रूम में बैठा रहता है, साथ ही वहाँ से इंटरकॉम की मदद से आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दे सके कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों जब भी आप MRI का यूज करते हैं तो MRI को यूज करने में हमें कम से कम 15 से 90 मिनट आसानी से लग जाता है। इस बीच में हमें MRI मशीन के अंदर बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है। अगर हम हिलते हैं तो रेडियो वेव्स हमसे टकरा के डिस्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि इमेजिंग साफ और क्लीन हमें नहीं मिल पाती और बॉडी के उस पार्ट की हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाएगी। इसलिए जब भी MRI यूज करते हैं तो डॉक्टर हमें पहले ही बता देता है कि हमें मशीन के अंदर हिलना नहीं होता है और हमारे हाथ और पांव को बांध दिया जाता है। दोस्तों कभी कभी होता यह है कि अगर हमारे किसी बॉडी के कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की MRI स्कैनिंग की जाती है तो उसकी हमें अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती है। इसे अच्छे से करने के लिए डॉक्टर करते ये हैं कि एक सुई की मदद से हमारे बॉडी के उस पार्ट में MRI कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल डाल देते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से MRI स्कैनिंग के रिजल्ट मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि MRI कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल होते क्या हैं? दोस्तों MRI कॉन्ट्रास्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें बॉडी के इनर पार्ट्स की इमेजिंग करनी होती है। इनर पार्ट्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमारे होते हैं, इसलिए हम जब भी इनर पार्ट्स की इमेजिंग करनी होती है तो हम कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। डॉक्टर सुई की मदद से बॉडी के उस पार्ट में हमें कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल दे देता है और खून की मदद से ये पार्टिकल हमारे बॉडी के उस पार्ट में फैल जाते हैं, जिससे कि रेडियो वेव जब भी हमारे शरीर में इंसर्ट की जाती है तो इमेजिंग के दौरान कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल आसानी से कैच हो जाते हैं और हमारे बॉडी के उस पार्ट की एक साफ इमेजिंग हमें मिल जाती है और बॉडी के उस पार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाती है। होने के लिए कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल के हमारे बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इससे हमें कोई परेशानी भी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ, लेकिन जब भी हमारे बॉडी की किसी पार्ट की हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और वहाँ की ज़्यादा साफ इमेज हमें नहीं मिल पाती है, तभी हम कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल का यूज करते हैं। इन्हें हमें शरीर में इंजेक्ट करके उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल की मदद से हम इमेजिंग करते हैं, जिससे कि हमें उस बॉडी पार्ट की ज़्यादा साफ इमेज और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों जब भी हम यूज करते हैं MRI स्कैन को तो उस रूम में जाने से पहले हमें कई सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से सबसे मेन गाइडलाइंस ये होती है कि हमें अपने साथ कोई भी मेटल की चीज़ नहीं ले जानी होती है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, अपने क्रेडिट कार्ड्स हो गए, कार की हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटल की बनी हुई है, हमें उस रूम में ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। दोस्तों ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि MRI स्कैन में यूज होता है हायर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जाने के साथ ये मैग्नेटिक चीज़ें सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, मेटल की चीज़ एक मैग्नेटिक चीज़ को अट्रैक्ट करती है, आप सभी जानते हैं। साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके उस रूम में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का बनाता है लेकिन उसमें मैग्नेटिक रूप में इन्फॉर्मेशन सेव होती है। आप जब भी उस रूम में कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सारी खराब हो जाएगी, आपका कार्ड क्रैश हो जाता है, इसके साथ आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। इसीलिए आप जब भी MRI रूम स्कैन रूम में जाते हैं तो आपसे सारी मेटल की चीज़ें अलग कर ली जाती है
डॉक्टर आपको पहले साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप उनसे सारी मेटल की चीज़ें अलग कर लीजिए, चाहे फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो, कार चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, आप उनको बाहर अलग से रख के फिर आप MRI के लिए MRI स्कैन रूम में जा सकते हैं। तो होने के लिए MRI टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कुछ लोग नहीं उठा सकते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनके शरीर में कोई भी मेटल की पार्ट लगाया जाता है, ये लोग वो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हायर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है। साथ ही अगर आपका कभी भी कोई इम्प्लांट हुआ हो तो आपको डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए ताकि आपको उसके बाद MRI स्कैन कराने के बाद कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप डॉक्टर को पहले ही बता दें कि आपके साथ कोई इम्प्लांट किया गया है या नहीं किया गया है। दोस्तों इसी के साथ जब भी आप MRI स्कैन कराते हैं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, ना ही किसी दर्द का सामना करना पड़ता है। MRI मशीन एक सर्कल के आकार की होती है, इसलिए उसमें लिमिटेड जगह होती है। इसके साथ किन्हीं लोगों को उसमें परेशानी आ सकती है, लेकिन ये कोई परेशानी का कारण नहीं है। आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं और डॉक्टर आपकी इस परेशानी का आसानी से कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाईके टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।